भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जे आए, श्री रघुवीर हरि उस लाए। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। चलिए साहब, आज हमारी जो वीडियो है, आज हमारी वीडियो है धनु राशि के ऊपर। जो हम वीडियो बना रहे हैं धनु राशि के ऊपर बना रहे हैं, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, ठीक है। और जो आज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है आपका के आपके जो मंगल है, मंगल आपके मिथुन राशि में आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? आपके सप्तम भाव में आ गए हैं। सप्तम भाव किसका होता है, ठीक है? सप्तम भाव आपके जितनी पार्टनरशिप है उसका होता है, आपकी पत्नी का होता है, आपके व्यवसाय का होता है और आपकी यात्राओं का होता है, ठीक है। चलिए मंगल क्या है, पहले मंगल को समझ लेते हैं। मंगल आपका साहस है, मंगल आपकी पावर है और मंगल आपके सेनापति हैं, आप ऐसे समझ सकते। मंगल उत्साह है। तो अब मंगल हमारे जीवन में अगर चाहिए तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे जीवन में भी मंगल मंगल हो, तो उसी को हम समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बताते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जो मंगल के लिए हमें करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी मंगल मंगल हो जाए, ठीक है। चल तो बात कर लेते हैं, आपकी मंगल कहाँ पर विराजमान है ये हमने बता दिया। मंगल को तीन दृष्टियाँ आपके दी गई हैं, ठीक है। जो पहली चतुर्दृष्टि उनकी पड़ रही है, पहले उसे समझने का कोशिश करते हैं। और वो दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी समझें आप, क्योंकि वो कहाँ पर पड़ रही है, वो आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है, आपकी प्रसिद्धि पर पड़ रही है, आपके रोजगार पर पड़ रही है और आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। इसे आप ऐसे मान सकते हैं, यहाँ हम जो हमारा कैरियर भाव है ये हम यहाँ से वो देखते हैं, और यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जितने भी जो हमारे इस समय स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे जो नौकरी के लिए कहीं ना कहीं अपना लगे हुए हैं इस समय नौकरी पाने के लिए, है ना, या जो भी लोग बेरोजगार हैं जो चाहते हैं जीवन में कोई काम करें या कोई भी व्यवसाय करें या नौकरी करें, क्योंकि कैरियर भाव है आपका, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ जो राशि विराजमान है उसे भी समझने की कोशिश करिए। वो राशि विराजमान आपकी कन्या है, कन्या जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध क्या है? बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी वाणी है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। बुध आपकी बुद्धि है और बुध आपके ग्रहों के राजकुमार हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये पहली दृष्टि हमारी पड़ रही है, इसे हमें समझना पड़ेगा ये कितनी महत्वपूर्ण है और इससे हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यहीं से आप अपना कैरियर बनाते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जितने भी जो बच्चे इस समय मेहनत कर रहे हैं, जो जीवन में अपना कुछ चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अभी आपको जो समय मिला हुआ है, अभी आपको 20 अक्टूबर तक का समय है, मंगल आपके विराजमान रहेंगे। कहाँ पर विराजमान रहेंगे? मिथुनी राशि में रहेंगे। और मिथुन के स्वामी कौन होते हैं? मिथुन के स्वामी भी बुध होते हैं। और बुध और मंगल आपस में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की, कि अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। अगली दृष्टि जो पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है स्वयं आपके लगन पर पड़ रही है। लगन यानी आपके स्वयं पर पड़ रही है, समझे। यहाँ से आप क्या देखते हैं? यहाँ से आप आरोग्य देखते हैं, अपना सौभाग्य देखते हैं, अपना सुख देखते हैं और अपनी आयु देखते हैं। तो इसका मतलब इस समय क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको जो मंगल है, मंगल अपना बल देंगे, मंगल अपनी शक्ति देंगे और भूत प्रेत से भी दूर रखेंगे। कोई भी अलाय बलाय है, कोई जादू है, कोई टोना है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको छुटकारा देंगे, कहीं ना कहीं आपको मुक्त करेंगे, ठीक है। चल तो यहाँ समझने की एक खास बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि मंगल आपके स्वयं आपके उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपके स्वयं पर और आपके लगन पर। तो इस समय आपको एक कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके तो स्वामी भी गुरु हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि अपने जीवन में इस समय आप सात्विकता को अगर ला सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत उत्तम होगा। तो कोशिश करें कि आप सात्विक रहें, अपना जितना पाठ वगैरह कर सकते हैं वो तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन अपने आचरण में, अपनी वाणी में कठोरता से दूर रहें, क्योंकि मंगल क्या है? मंगल लाल ग्रह है। मंगल क्या है? क्रूर ग्रह है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो मंगल को सही करने के लिए अपने अंदर थोड़ा सा अपने वेग को संभाल के चलें, अपने धैर्य ले कर चलें, अपनी वाणी पर थोड़ा सा लगाम और अपना थोड़ा सा रख के चलें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और इस समय कोशिश करें कि सुबह उठ के अगर आप उठ सकते हैं, व्यायाम वगैरह कुछ भी अगर कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आए हैं। मंगल क्या है? मंगल शक्ति है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए। इस समय अगर मंगल का आपने सही रूप से प्रयोग कर लिया तो आपके जीवन में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही
मतलब रोशनी आपको दिखाई देगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि जो पड़ रही है उनके कहाँ पर पड़ रही है, आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। और द्वितीय भाव क्या होता है, द्वितीय भाव आपके धन का होता है, आपके कुटुंब का होता है। यानी यहाँ पर धनेश कौन बन गए हैं, धनेश बन गए हैं आपके शनिदेव। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान है आपकी मकर, और मकर के स्वामी कौन होते हैं, शनिदेव होते हैं। और शनि क्या होते हैं, शनि आपके न्याय और आपके कर्म के वो हैं। आप ऐसे मानिए, जो आप मेहनत करते हो, जो आप कर्म करते हो, जो आप मतलब जैसा भी आप कार्य करते हो उसका फल ये आपको देते हैं। तो यहाँ क्या है, अगर आप मेहनत करेंगे, क्योंकि यहाँ कौन है, धनेश, धनेश शनि बने हुए हैं, तो शनि को साधने के लिए आपको अपने जीवन में अपना ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपने कहीं किसी के साथ गलत करा, अप्रिय करा, तो कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत होगी, ये आप समझ सकते हैं। तो कोशिश करें कोई भी ऐसा काम ना करें जो न्यायप्रिय ना हो, आप ये समझ लें, क्योंकि न्याय के देवता है, कोर्ट में बैठे हैं। कोर्ट में अगर आपने अपराध कर दिया तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर आपने सब चीज़ें, और दूसरी बात क्या है, आपके मंगल आपके जो स्वामी हैं, स्वामी से इनके संबंध ठीक हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुध की वजह से आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर ये फ़ायदा आपने ले लिया तो कहीं ना कहीं आप इनसे काम अपना निकाल लेंगे, और आपके लिए कहीं ना कहीं धन की कमी नहीं रहने की, धन आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, उपाय के तौर पर आपको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, एक तो कोशिश करें कि आप, हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं, बहुत छोटा सा उपाय है, ठीक है, क्या उपाय है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और निरंतर कोशिश करें कि इसे कर सकें जब तक 20 अक्टूबर तक का समय आता है। वैसे भी अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो मंगल के मंगलवार कर लें और भी अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करें कि अगर मंगलवार के दिन 5 लड्डू का भोग आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और हम हर वीडियो में कहते हैं हनुमान जी को चोला प्रदान करेंगे, चोला चढ़ाने का कार्य करेंगे, तो वो आपके लिए, आपके सोच सकते हैं कि आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नई रोशनी, एक नई चेतना, एक नई शक्ति आपको देगा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। जितने भी कष्ट हैं उसे काटने का काम इस समय मंगल देवता आपका करेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। शनि का हमने आपको बता दिया कि सिर्फ अपने जीवन में कोशिश ये करें कि आपसे कुछ अनिष्ट ना हो, आपसे कुछ गलत ना हो, ठीक है। बस इतना अगर आप कार्य कर लेंगे तो आपके जीवन में सारी चीज़ सही सही है, मंगल आपके आए हैं, क्योंकि कहाँ आए हैं, पार्टनरशिप में आए हैं आपकी। और एक और फायदा हो सकता है आपको, आप यह समझ लें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो पाएगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। जो आपके बॉस हैं या जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, ये बात हमारी नोट कर लेना, इस समय एकदम से ऐसे चेंजेस आएंगे कि ना चाहते हुए हर आदमी आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं दबेगा। क्यों दबेगा, क्योंकि इस समय सेनापति आपके साथ है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन इस बात का हमें फ़ायदा इस हिसाब से नहीं उठाना है कि हम अननेसेसरी किसी के ऊपर चढ़ने लगे। हमें कोशिश करनी है कि अपना व्यवहार, अपना मतलब स्वभाव और चेंज करें, और इसमें नम्रता लाएं, तो फिर देखिए आपके जीवन में क्या चेंजेस आएंगे। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अलग ही रोशनी आएगी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। मंगल आए हैं, इनका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लें, बस हम आपसे यही कहते हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और हम हर बार आपसे कहते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बटन का बटन प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि जब तक आप बेल का बटन नहीं दबाते हैं, जब तक क्या होता है, कोई भी वीडियो आगे नहीं जाती है। तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ठीक है, आग्रह है आपसे, प्लीज़ इसे बटन को दबा दें, इससे जैसे हम जो वीडियो बनाते हैं वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। धन्यवाद।